नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी तमाम दोस्तों को। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज ये फुटेज जो मैं नेशनल हाईवे घाटशिला टू खड़गपुर के क्रम में जो ये हाईवे मिलती है उसी का फुटेज दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है गालुडी से ठीक मैं नेशनल हाईवे पर गाड़ी लेके चढ़ गया हूँ। अब हमारी गाड़ी जो है ना हाईवे पर रन करेगी या कर रही है देखिए। चलिए जय माता रंकनी। देखिए हाईवे पर चलने के लिए कुछ नियम कायदे कानून को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें हमेशा आपको ORBM पे नज़र बनाए रखनी पड़ती है, मतलब दो लेफ्ट राइट की जो मिरर होती है और आपके केबिन के हेड के ऊपर जो एक मिरर होती है, तीनों पर जो है ना आपका कंसंट्रेशन बनाए रखना होता है। अब हाईवे पर गाड़ी चल रही है सन 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 सन, ठीक है। ये टू लेन है और अनदर साइड टू लेन है, मतलब ये फोर लेन है, ठीक है। अब गाड़ी की स्पीड भी गति सीमा देखिए 80 to 85 है और उसी बीच ये छोटा सा वीडियो क्लिप में बना रहा हूँ, ठीक है। तो हाईवे पे जनरली जो है ना फुल पिकअप पे गाड़ी रहेगी, फिफ्थ गियर पे गाड़ी हमारी रन कर रही है, ठीक है। देख सकते हैं काटन 90 to 95 में चला गया है और बहुत सारे चीज़ों का ध्यान यहाँ रखना पड़ता है। और इस गति सीमा में आपको जैसे एक लेन को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है लेफ्ट और राइट, तो आपकी एज अकॉर्डिंग आपके जो गाड़ी की स्पीड के मुताबिक आपको जो है ना राइट लेन में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट लेन में जो धीमी रफ्तार की जो गाड़ी होती है जैसे मालवाहक गाड़ी ट्रक वगैरह वो लेफ्ट लेन में चलती है, और जितने भी आपके पर्सनल वैन, ठीक है, टैक्सी वगैरह वो राइट लेन में ही चलती है, ठीक है। अब मैं भी चल रहा हूँ घाटशिला की ओर, मैं बढ़ रहा हूँ गालुडी से, ठीक है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, सुबह का ही मॉर्निंग टाइम का ही फुटेज है, भले ही मैं अभी आफ्टरनून टाइम में इसे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे आगे एक जिप्सी है, उसे भी मैं ओवरटेक मार दिया, ओवरटेक करके मैं आगे निकल आया। चलिए, बहुत ही शानदार और जानदार ये सवारी है। साथ ही साथ हॉर्न पर भी अपना कंट्रोल रखना पड़ता है। देखिए राइट लेन में आपका ट्रक थी तो मैं लेफ्ट लेन में इंडिकेटर को देख करके है ना पास ले लिया, और ले करके फिर मैं उन्हें ओवरटेक, उस ट्रक को ओवरटेक करके फिर मैं राइट लेन में चला आया, ठीक है। और जहाँ जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है उस जगह पर थोड़ा सा और कंसंट्रेशन रखना पड़ता है कि कहीं राइट से या लेफ्ट से कोई जेब्रा क्रॉसिंग को तो पार नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे चीज़ों को यहाँ देखिए, जो स्लो मोशन की जो गाड़ी है वो जैसे लेफ्ट लेन में ऑटो चल रही है और हम राइट लेन में चल रहे हैं। एक मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हूँ, ब्रिज से होते हुए हमारी गाड़ी पार कर रही है, काफ़ी चौड़ी ब्रिज है और ब्रिज भी पूरा एकदम सिस्टमेटिक है। रात में चलने के लिए देख रहे हैं आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक पोल लगी हुई है, तो रात का नज़र और सफ़र तो और शानदार लगता है। कभी कभी मेरे साथ इन सब जगहों में विजिट कीजिए रात में, और बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए, बहुत खूब। तो एक अच्छे और प्रोफेशनल ड्राइवर ड्राइव करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों का आपको हमेशा कंसंट्रेशन रखना बनाए रखना पड़ता है। ORBM पर खास करके आपको यूं ही किसी और टर्न नहीं ले लेना है कि आप राइट में चल चलते तुरंत लेफ्ट में विदाउट इंडिकेटर के चले आएँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो फिर भारी भरकम आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना लुकिंग ग्लास पर आपको ध्यान बनाए रखना है। कभी भी आप किसी और बढ़ रहे हैं तो ORBM पर ध्यान